हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर ना काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज किस तरह से मतलब आप करते हो। तो इसके लिए मैंने पॉलिनोमियल्स एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहले हम पहला एग्जाम्पल करेंगे वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। इसके अंदर आप देख रहे हो जो x की पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो आपकी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यानी कि ये कैसी पॉलिनोमियल आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट आपने देखा, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसके लिए y आपका क्या आ जाता है, इक्वल टू जीरो हो जाता है। हमें x की ऐसी वैल्यू लेके चलनी है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हम एक एक करके x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके लिए y किसके इक्वल आ जाता है आपका जीरो के। सबसे पहले मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 पुट करी यहाँ पे। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाती है, -4। ये आप करके देख सकते हो रफ में, जैसे 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि x की वैल्यू जो 1 पुट करेंगे तो x की जगह पे आ गया 1 और ये हो गया आपका -6। तो 2 1 2 आता है और 2 -6 करते हो तो आपका कितना आ जाता है, -4 आ जाता है स्टूडेंट। ऐसे हम दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं, आपने x की वैल्यू कौन सी पुट करी यहाँ पे, 2 पुट करी। 2 पुट करते हैं तो आपका आता है -2 आ जाता है। तो स्टूडेंट इसको आप रफ में आराम से करके देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हो, x की जगह 3 करते हो, तो 2 3 6 6 -6 करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका y इज इक्वल टू 0 आता है। फिर आपने x की जगह 4 पुट किया तो आपका आंसर कितना आता है, 2 आता है। वैसे भी आप प्रीवियस क्लास में, शायद ये लोअर क्लास में थोड़ा सा सीख चुके हैं ग्राफ बनाना, कि आपका x जो होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू वेरी करती हैं। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या करती हैं, वेरी करती हैं। फिक्स वैल्यू नहीं है, आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो हम x को चेंज जैसे जैसे करते चले जाएंगे, y की वैल्यूज़ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आती चली जाएंगी। फिर हमें क्या करना होता है, इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करना होता है। और एक जो हमारा क्वेश्चन था शुरू में कि जीरोज़ या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, जो बच्चों को थोड़ा रहता है इसमें डाउट, तो यहाँ पे आपने जैसे ही x की वैल्यू 3 पुट करी, 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 0 आती है। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे आप मतलब बार बार वैल्यूज़ पुट करोगे, बड़ी वैल्यूज़ या छोटी वैल्यूज़, तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या करते हो, 2x-6 को किसके इक्वल रख लिया हमने, 0 के इक्वल रख लिया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 6 हो जाती है। ये जीरो निकालने का तरीका है जो आप लोअर क्लास में शायद एक बार सीख चुके हो 9th क्लास में अपना। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी बचती है, 3 बचती है। यानी कि इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है आपकी, 3 है। तो स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर हो गया कि 3 है, लेकिन इसे ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करना है, कि आपका जो एक थोड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस जीरोज़ की कैसे होती है, किस तरह से हमें पता चलता है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या आई है कि 1 के ऊपर आपकी वैल्यू 4 है माइनस का, तो इसे हम थोड़ा यहाँ डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 हो गया और y कितना है आपका, -4 है यहाँ इस जगह पे, तो इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। फिर आपकी x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -2। ये आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर आप इसे ग्राफ पे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ग्राफ पेपर पे क्या होता है, सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सारे पॉइंट्स वगैरह आपके, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फिर आपका क्या आता है, 3 पे 0, यानी कि यहाँ पे x कितना है, 3, और y इस केस में क्योंकि ये x एक्सिस है तो y यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट। फिर आपने क्या किया, 4 पुट किया तो आपका कितना आता है, 2 आता है, 2 आपका कहीं यहाँ आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मिलाना होता है। अगर आप स्केल के थ्रू अपने ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये सीधी लाइन बनती है आपकी। जैसे मान लीजिए आपने इसको, अगर यहाँ से अगर आप इसको स्केल से या ग्राफ से करते हैं तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट इस तरह की एक लाइन बनती, कुछ इस तरह की लाइन होती। तो ये जो आपका ये है, ये वाला चीज़ यहाँ से नहीं आती। तो अगर आप ग्राफ पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है इसको। तो स्टूडेंट ये इस तरह से मिल जाएगी यहाँ पे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पे आपका क्या था, 2 था। तो आपने देखा 3 पे आपका कितना आता है, 0 आता है। ये वाला पॉइंट हमें चाहिए था, 3 पे 0। और 4 पे कितना आया था स्टूडेंट आपका, एक्स को हम पहले लिखते हैं और वाई पेयर क्या आता है आपका, बाद में आता है। ये आपकी लाइन है। तो आपने देखा जब इस इक्वेशन की, क्योंकि ये इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसकी जीरोज भी कितनी होंगी, 1 जीरोज होंगी, 1 जीरो होगी, 1 जीरो होगी। और आपने देखा वो एक्स एक्सिस पे जो इस ग्राफ को अगर आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो वो कितनी बार कट करता है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार कट करता है। कहाँ पे कटता है, 3 0 पे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की सिर्फ एक जीरो थी। तो ग्राफ जो था आपने y इज इक्वल्स टू 2x-6 का जो बनाया ग्राफ आपका, 2x-6 का जो आपने ग्राफ बनाया, ये सिर्फ x एक्सिस को एक बार कट करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है, कोई ग्राफ दिया होता है कि उसमें आपको कुछ भी अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि आपका x एक्सिस को इस तरह से कट कर रहा है, तो आपको ये पूछा जाता है कि भाई इस जो ग्राफ की जो है कितनी, मतलब यानी कि जो इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है उसकी कितनी जीरोज होंगी। तो आप डायरेक्ट ये देख लेते हो कि यहाँ पे इसने दो जगह पे कट किया है, तो इस वाली जगह पे कट किया है तो इसकी कितनी जीरोज आती,
टू जीरोज आती है आपकी, ऐसा ही कुछ ग्राफ दिया होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ में होता है वो, लेकिन यहाँ पे आपने खुद रिप्रेजेंट करके देखा क्योंकि 2x माइनस 6 की डिग्री 1 थी, यानी कि कैसी पॉलिनोमियल थी, 1 डिग्री की लीनियर पॉलिनोमियल थी। इसके ग्राफ ने इसको x एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 टाइम कट किया। अगर 2 डिग्री होती तो कितने टाइम कट करता, 2 टाइम्स कट करता। तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें आपने देखा y इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, x square माइनस 1 दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो इसकी जीरोज, मतलब अगर आप निकालना चाहें मतलब लोअर क्लास के मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगे, यानी कि प्लस 1 और माइनस 1 आएंगी, यानी कि उन वैल्यूज़ पे y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि वो 1 और माइनस 1 इस पॉलिनोमियल की क्या होंगी स्टूडेंट्स, जीरो होंगी। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या पुट करके देखा, यहाँ पे x की वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू सबसे पहले हमने जीरो ली, तो x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो y कितना आता है, माइनस 1 आता है। फिर x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये कितना आता है, जीरो हो जाता है। x की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो भी ये कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 जो 4, 4 में से 1 का कितना बचेगा यहाँ पे 3। अगर माइनस 2 भी लेके चलेंगे x की वैल्यू तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ा सा रफली एक आइडिया लगाया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम 0 के इक्वल लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू आती है, 1, तो x यहाँ से कितना हो जाता है, अगर इसका हम रूट भी लेते हैं तो प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 1 का स्क्वायर करो हमेशा कितना आता है आपका, 1 आता है स्टूडेंट। तो आपने देखा इस तरीके से हम जीरोज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ लंबा अगर आपको नहीं करना है प्रोसीजर तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ आपने देखा ये टू पॉइंट्स पे, x के टू पॉइंट्स पे क्या बनता है, y इक्वल टू जीरो आता है, 1 पे भी और माइनस 1 पे भी, तो इसकी दो जीरोज है। तो यानी कि इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 टाइम्स कट करना चाहिए, 2 प्लेस पे कट करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना पॉइंट है 0 माइनस 1, तो यहाँ पे x क्या होता है आपका, 0, और y इस केस में कितना हो जाता है आपका, माइनस 1। फिर आपका पॉइंट आता है 1 0, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है, इसको हमने लिख लिया 1 0। ये कितना था आपका, 0 माइनस 1, x यहाँ पे 0 था, y आपका माइनस 1 था स्टूडेंट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था माइनस 1 वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा नोट आउट कर लो, माइनस 1 और 0, ये भी आपने लिख लिया, दो जगह पे आप टिक लगा चुके हो x एक्सिस पे। फिर आपका था 2 पे 3, यानी कि आपका x यहाँ पे 2 है और y कितना है, 3, तो आपका पॉइंट कहाँ आता, कुछ यहाँ आता। ये ग्राफ में एक अच्छे से बनता है क्योंकि उसमें क्या होता है, जो प्लेसमेंट होती है इन पॉइंट्स की वो इक्वल प्लेस पे होती है। यहाँ आपने सिर्फ आइडिया से लगाए हैं, माइनस 2 लिया तो भी आपका कितना आया था, यहाँ पे कुछ आता, इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है। तो आपने क्या करना होता है, आपका आया माइनस 2 पे 3, तो ये भी आपने यहाँ पे नोट आउट कर दिया थोड़ा। तो अब क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स उनको मिलाना है, मतलब ये आपका जाएगा यहाँ पे, फिर ये कुछ जाएगा यहाँ पे, ये इससे मिलेगा, और फिर ये जाके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो आपने देखा हमारे ग्राफ की शेप कैसी बनी है, उससे हमें लेना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया है, 2 पॉइंट्स पे कट किया है, 1 पे 1 0 पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस 1 0, ग्राफ पे दो जगह पे एक्स एक्सिस पे कट किया है। इसका मतलब अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि हमने इस तरीके से देखा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से होगा, तो आपने देखा 1 2 3 4, इसने अगर 4 टाइम कट किया एक्स एक्सिस को, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो आपकी कितनी जीरोज होती है, 4 जीरोज होती है। सिर्फ आप ग्राफ देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि एक्स एक्सिस पर अगर कट 4 टाइम्स किया है तो इसकी कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज होंगी। और यहाँ पे आपने खुद ग्राफ बनाया, फिर उसको प्रेजेंट करके देखा, फिर आपने देखा इसकी 2 जीरोज आई, तो इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया, 2 टाइम्स कट किया। तो ये क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज इस इक्वेशन की होने वाली हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये स्टेटमेंट से आपको, मतलब एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल आप अपनी रफ नोटबुक में भी अपने कुछ लेके आप देख के कर सकते हैं, कुछ लीनियर इक्वेशन के सिंपल से एग्जांपल्स, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है, यहीं पर ओवर होता है। आने वाली वीडियोज़ में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।